दोस्तों रॉ में हमें शाशा बैंक्स द टैग टीम चैंपियन विद नियोमी के साथ दिखती हैं और इनका मैच होता है रिया रेपले और लिव मॉर्गन के साथ। तो दोनों भी एंट्रेंस हो जाती है। मैच जब शुरू होता है तो रिया रेपले एकदम फॉर्म में आती है, वो नियोमी को सीधा उठा के पटक देती है, फिर उसमें उसको एकदम बड़ी सी लात दे देती है और लात मारने के बाद आप देख सकते हैं नियोमी का चेहरा हर्ट होता है और डबल किक मार के भी अटैक करती है। रिया रेपले बहुत अटैक करती है और अटैक करने के बाद फिर वो लिव मॉर्गन को टैग देने जाती है, उतने में नियोमी उन्हें एक सुपर किक लगा देती है और साशा बैंक्स को टैग दे देती है। फिर दोनों भी अंदर आके रिया रिप्ले को एक रोप पर चढ़कर उसका फेस पटक देते हैं और रिया रिप्ले एकदम टेंशन में रहती है। फिर उसके बाद में लिव मॉर्गन रिंग में आती है और लिव मॉर्गन नियोमी पे वार करना रखती है, वो भी लातों से उस पर बरसार कर देती है, अपनी लात की पूरी बरसार। उसके बाद में रिया रिप्ले फिर रिंग में आके उसके पेट में एक लात मार देती है। फिर साशा बैंक्स और नियोमी आके लिव मॉर्गन को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपना सिग्नेचर टैग टीम मूव दे देते हैं और देने के बाद उस पर नियोमी कवर करती है 1, 2 और 3 और साशा बैंक और नियोमी जीत जाते हैं। उसके बाद रिया रिप्ले एकदम टेंशन में आ जाती है, यह अंदर का सीन दिखाया। फिर उसके बाद में वो बोलती है लिव मॉर्गन को कि डरो मत, मैंने इनके लिए नेक्स्ट वीक का रीमैच लिया है, अब नेक्स्ट वीक इनका रीमैच देखने मिलेगा और शायद से रिया रिप्ले लिव मॉर्गन पे हील टर्न करने वाली है। ये दोस्तों हमें नेक्स्ट वीक ही मालूम पड़ेगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।